अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल में आप भाइयों को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाला नया अमल नई वीडियो आप भाइयों को मिलती रहे। आज मैं जो अमल लेके आया हूँ इसमें मैं बताऊँगा कि आप किस तरीके से किसी भी लड़की को जो है एक तवी से एक नक्श के साथ, इस सेक्सी नक्श के साथ जो है आप अपने ग़ुलाम बना सकते हैं। वो लड़की कितनी दूर हो, कितनी आपसे नफ़रत करती हो, ये अमल आप करेंगे। जैसे ही अमल पूरा होगा, अमल पूरा होने से एक दो दिन पहले ही लड़की आपकी पाँव में होगी, आपके नीचे होगी, आप उससे हमबिस्तरी करो, सेक्स करो, जो मर्ज़ी करो, कभी भी आपको इनकार नहीं करेगी। अब करना कैसे है, आपने ये जो नक्शा आपके सामने दिया जा रहा है, ये जो तावीज़ दिया जा रहा है, ये जो है आपने इसके प्रिंट निकलवाने हैं। अब आपने इसके प्रिंट कितने निकलवाने हैं, आपने टोटल चार प्रिंट निकलवाने हैं इसके। ये आपने चार प्रिंट निकलवा लिए, तो प्रिंट निकलवाने के बाद आपने इस अमल को किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। इसमें दिन की कोई कैद नहीं है, इसमें टाइम की कोई कैद नहीं है कि आपने इस दिन को करना है या इस टाइम को करना है। आपने ऐसे करना है कि जब आपने इसके चार प्रिंट निकलवा लिए, पहला प्रिंट आपने पहले प्रिंट के ऊपर जिधर लिखा हुआ है फ़लाँ बिनते फ़लाँ, आपने जिस लड़की को ताबी करना चाहते हैं, जिसको ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आपने उसका नाम लिखना है, उसकी वालदा का नाम लिखना है। लिखने के बाद इस तावीज़ को आपने अपने घर में कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे वज़न के नीचे आपने इसको दबाना है, ठीक है। कोई भी वज़न वाली चीज़ हो, कुछ चार ईंटें ले लें या कोई पत्थर ले लें या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे वज़न हो, इस तावीज़ को फोल्ड करके आपने उस वज़न के नीचे दबा देना है। और उस रात आपने जब सोना है, अपने कमरे में जाके आपने जब सोना है, इस तावीज़ को आपने अपने नफ्स के ऊपर लपेटना है। लेकिन उस तावीज़ को जिसको नफ्स के ऊपर लपेटना है, उसमें यहाँ पर आपने किसी का नाम नहीं लिखना, आपने उसका नाम नहीं लिखना, सिर्फ आपने जहन में रख के सोना है कि मैं उसके लिए फ़लाँ बिन फ़लाँ के लिए ये अमल कर रहा हूँ। ये आपने अपने नफ्स के इर्द गिर्द लपेट लिया। लपेटने के बाद आप कपड़े वगैरह से बांध लें कि वो खुले ना, तो आपने सो जाना है। ये आपका एक रात का अमल पूरा हो गया। और सुबह को उठ के आपने उसी नक्श को जो है, जो आपने नफ्स के साथ नफ्स के ऊपर लपेटा हुआ है, उसको आपने उतार देना है, उसको रख लेना है। दूसरे दिन आपने दोबारा से जो तीसरा नक्श होगा, एक नक्श आपने जो है पहले वज़न के नीचे दबा दिया, एक आपने नफ्स के लिए रखा हुआ है, उसको रखे रखना है। तीसरा नक्श जो है उसको भी आपने फोल्ड करके जो है वो ऐसी कब्र में दफन करना है, कब्रिस्तान में चले जाना है। कब्रिस्तान वो है जो ईसाइयों का कब्रिस्तान हो, ईसाइयों की पुरानी कब्र पर आपने पाँव वाली साइड पर जाके इस तभी इसको दूसरे को दफन करके आना है। अच्छा, उसमें भी आपने फ़लाँ बिनते फ़लाँ की जगह उस लड़की का और उसकी वालदा का नाम लिख देना है। ये दूसरे दिन का तवीज़ हो गया आपका। दूसरी रात को भी जब आपने सोना है, वही तवीज़ जो आपने पहले दिन नफ्स के ऊपर आपने लपेटा था, वो दोबारा से लपेट के सो जाना है। किसी से बात नहीं करनी या किसी को बताना नहीं है इस अमल के बारे में। ये आपका दूसरी रात का अमल हो गया। तीसरी दिन जो आप उठेंगे तो दोबारा से आपने वो नक्श नफ्स वाला जो है वो अलग कर देना नफ्स से, और जो तीसरे दिन वाला ये जो होगा तवीज़, चौथा तवीज़ होगा, ये आपने उस तवीज़ के ऊपर फिर उस लड़की का और उसकी वालदा का नाम लिखना है। और इसको आपने किसी फलदार दरख्त के साथ लटका के आना है। इस तवीज़ को किसी कपड़े में लपेट लें और फलदार दरख्त के ऊपर लटका के आपने आ जाना है। और उस रात आपने जो नक्श होगा, जो नफ्स के ऊपर लपेटने वाला, वो भी आपने लपेट के सो जाना है। और अगली सुबह आपने उठ के उस नक्श को जला के उसकी राख जो है वो चलते हुए पानी में बहा देनी है। अब आपका काम, इसमें से 90% चांस है कि दूसरे दिन ही आपका काम हो जाएगा, वो लड़की आपसे रबते में आ जाएगी, आपकी ग़ुलाम बनेगी। लेकिन आपने अमल जो है 3 दिन का पूरा करना है। 3 दिन का अमल करने के बाद जब भी आप चाहेंगे वो लड़की आपके पास आएगी, आपसे रब्ता करेगी। लेकिन अमल आपने 3 दिन तक पूरा करना है। यही ना हो कि आपका काम जो है वो 2 दिन में पूरा हो जाए लेकिन आप अमल छोड़ दें। अमल आपने 3 दिन पूरा करना है। इसमें कोई पढ़ाई नहीं है। इसकी ज़कात अदा करने के लिए आपने सिर्फ इजाज़त लेनी है, इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, और मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है इस पर रब्ता करना है, आपको इस अमल की इजाज़त मिल जाएगी। और अगर आप अपना कोई भी जायज़ नाजायज़ काम करवाना चाहते हैं जो किसी से ना हुआ हो, मुझसे आप अपना काम गारंटी से करवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने दिया जा रहा है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया।